शांतनु के गुण रूप और सदाचार की प्रशंसा। गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। देवता तथा राजश्री भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन तपस्वी नरेश शांतनु ने इंद्र संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरत वंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी। कंधे विशाल थे, विमत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्मपूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राज राजेश्वर अर्थात सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जनमेजय जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु के शासन में रहकर सब राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक बर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे। महाराज शांतनु कुरुवंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें ना राग था ना द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। जन्मेजय महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा काम राग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। उन दिनों देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ तथा पितृयज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। दुखी, अनाथ एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े जीव इन सब प्राणियों का वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राज राजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में सदैव लगा रहता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव ना करते हुए वन में रहे।
वसु के अवतारभूत गांगेय उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्व तथा वीर महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बीनकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुष में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि ये सरिता में श्रेष्ठ देवनदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही। तदनंतर उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्य अस्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह सा हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस आठवें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। पुरुष सिंह ये संपूर्ण अस्त्र वेताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ स्वामिन, इसे घर ले जाइए। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से छहों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देवदानव वंदित बृहस्पति जी जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों से परास्त नहीं होते, वे प्रतापी महर्षि जमदाग्नि पुत्र परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, ये कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्धान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनका हस्तिनापुर इंद्रनगरी अमरावती के समान सुंदर था। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में
युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में घूमने गए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही उस राजा ने पूछा, भीरु तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन आपका कल्याण हो, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वरण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषादराज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, जनेश्वर जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन मैं इस कन्या को केवल एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा, मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा। शांतनु ने कहा, निषाद पहले तुम्हारे अभिष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ, यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। निषाद बोला, पृथ्वीपते इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट आए। तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? राजन आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हों, मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते, आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए हैं, आपको कौन सा रोग लग गया है यह मैं जानना चाहता हूं जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूं, वह चिंता कैसी है सो बताता हूं। सुनो भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो, तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। गंगानंदन यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई
तो उसी दिन हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप ना हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता की ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो भी वह नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य परिष्य के क्रम से चलने वाले विद्याजनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राग, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या, ये तीनों ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेद, त्रय पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। भारत, तुम शूरवीर हो, तुम कभी किसी बात की सहन नहीं करते और सदा अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में ही लगे रहते हो, अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। तात, यही मेरे दुख का कारण है, वे सब का सब तुम्हें बता दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से ही उस पर विचार किया। तदनंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्रियों के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है, इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरत श्रेष्ठ, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया, महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राग भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा, सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। सूत जी बोले, नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिता के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि वह शर्त स्वीकार किए बिना अपनी कन्या नहीं देगा। वीर, यही वृतांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रिय के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उनकी कन्या मांगी। भारत, उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधिपूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए क्षत्रियों की मंडली में दाशराज ने उनसे कहा। दाशराज बोले, याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो
वही पिता के बाद राजा हो। भरतश्रभ राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोअनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप ना हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे, सत्यवती को ब्याहने योग्य केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। परंतु आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। परंतप आपका कल्याण हो, कन्या को देने या ना देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय निषाद के ऐसा कहने पर गंगा नंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य ना अब तक पैदा हुआ ना आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा। जन्मेजय देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोले, वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मा, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और भी कहना है और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को अवश्य सुनिए। शत्रुदमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है। महाभाव, वह टल नहीं सकती, इसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। भीष्म ने कहा, नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हों वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ। पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ मेरी इस बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड
ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र ना होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई असत्य नहीं कहा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दाश, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और उधर्व रेता होकर रहूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषादराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोले, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माताजी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म ही है। भीष्म के द्वारा किए हुए इस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है।